Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन यहाँ कराते हैं। हालांकि अब विदेशी निवेशक चीन से दूरी बनाते दिख रहे हैं। चीन की आर्थिक स्थिति को लेकर विदेशी निवेशकों की चिंता गहराती जा रही है। या शायद कोविड-19 के बाद दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें चीन के अलावा भी दूसरे देशों की ओर देखना चाहिए, ताकि भविष्य में डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा गैप फिर से ना बन सके जैसा कोरोना काल में हमने देखा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं और आपको ये भी समझाते हैं कि चीन से जुड़ी आखिर ये खबर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। दरअसल जून तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने चीन से रिकॉर्ड मात्रा में पैसों की निकासी की है। इस तिमाही में चीन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $15 अरब तक घट गया है। जून तिमाही के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की देनदारियां करीब $15 अरब तक गिर गई। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के आंकड़ों के मुताबिक यह सिर्फ दूसरी बार है जब किसी तिमाही में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की देनदारियां घटी है। छमाही आधार पर अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा लगभग $5 बिलियन कम हो गया है। अगर गिरावट पूरे साल तक जारी रहेगी तो ये 1990 के बाद से पहली बार होगा जब विदेशी निवेशक सालाना आधार पर देश में शुद्ध निकासी करेंगे। वैसे इससे पहले 2021 में चीन में रिकॉर्ड $344 अरब का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था। इसके बाद से वहां विदेशी निवेश में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते चलन ने भी विदेशी कार कंपनियों को चौंका दिया है, जिससे कुछ को अपने निवेश को वापस लेने या कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस गिरावट के बावजूद चीन विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बनाए रखने की कोशिशों को बढ़ा रहा है। शी जिनपिंग की सरकार ये दिखाना चाहती है कि चीन अब भी विदेशी बिजनेस के लिए खुला है और आकर्षक जगह है। साथ ही उम्मीद ये भी कर रही है सरकार की कंपनियां अपने साथ आधुनिक टेक्निक्स लेकर चीन आएंगी। साथ ही वो अमेरिका और दूसरे देशों की ओर से चीन को अलग थलग करने की कोशिशों का भी विरोध करेंगी। चलिए एक और आंकड़ा आपके साथ साझा करते हैं। चीन से दूसरी तिमाही में $71 अरब बाहर भेजे गए हैं। ये वार्षिक आधार पर 80% से भी ज्यादा है। पिछले साल इसी समय पर केवल $39 अरब चीन से बाहर भेजे गए थे। चीन के ट्रेड सरप्लस के डेटा में भी गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। शुरुआती 6 महीने में चीन का ट्रेड सरप्लस $150 अरब का हो गया था, जबकि इसके डेटा में $87 अरब की गड़बड़ी मिली थी। यूएस ट्रेजरी ने इस अंतर को उजागर किया और चीन से आग्रह किया कि वो बताए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस पर कहना है कि ऐसा कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने के कारण हो रहा होगा, जिसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के पास चीन के बजाय विदेश में कैश रखने का एक और कारण है। विकसित देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जबकि चीन अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लगातार कम कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के पहले आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 की पहली छमाही के दौरान चीन में एक नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर था। तो कुल मिलाकर चीन पहले जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए निवेश का एक बेहतरीन विकल्प था, वो अब अपना भरोसा कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और विदेशी निवेशकों को अब इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे देशों में भी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ जाए। आपको क्या लगता है, ये रिपोर्ट भी आपको कैसी लगी हमें ये भी कमेंट करके बताएं, और आखिर चीन की इस स्थिति पर आपका क्या कहना है ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी अनेक खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।